शौर्य गुस्से में उन तस्वीरों को देख रहा था। जिस तस्वीर में वो दोनों कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे, उस तस्वीर में अर्जुन मायरा को स्माइल करते हुए देख रहा था और मायरा कॉफी पी रही थी। मगर जिस तरीके से अर्जुन मायरा को देख रहा था, अर्जुन की आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था, जो शौर्य ने भी नोटिस किया था। उस फोटो को देखते हुए शौर्य ने गुस्से में टेबल पर जोर से मारा और फोटो की तरफ देखते हुए बोला, किसी और को हक नहीं है कि वो मायरा को ऐसे देखे, और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसी दिन तुझे तेरी औकात बता देनी चाहिए थी। वो बहुत देर तक उन तस्वीरों को देखता रहा। स्टडी में एसी बहुत तेज था, मगर फिर भी शौर्य का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने वो एनवलप उठाकर देखा कि आखिर ये तस्वीरें उसे भेजी किसने, मगर उस पर शौर्य के अलावा और किसी का नाम नहीं था। उसने दोबारा मायरा को कॉल लगाया, मगर कोई फायदा नहीं था, वो ब्लॉक्ड था। फिर उसने उन तस्वीरों की अपने फोन से पिक्चर ली और मायरा को सेंड करते हुए उस पर एक मैसेज लिखा, मेरी माँ तुम्हारे बारे में हमेशा से ही सही थी, तुमने तो इतनी आसानी से किसी और को अपनी लाइफ में शामिल भी कर लिया। मैं ही बेवकूफ था जिसने तुम पर ट्रस्ट किया, तुमसे प्यार किया। एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता, मैंने अपनी माँ की जगह तुम्हें चुना था मायरा, लेकिन आज समझ आया कि तुम किसी चीज के लायक ही नहीं थी। ये मैसेज लिखकर उसने सेंड कर दिया। उसने गुस्से में उन सारी तस्वीरों को अपने हाथ से कुचला और फिर उन्हें नीचे फेंक कर अपने शूज से भी कुचलने लगा। मगर उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हो रहा था। उसने वो सारी कुचली हुई तस्वीरें उठाई और डस्टबिन में जाकर फेंक दी। ये करने के बाद वो नीचे आया और आकर घर में ही बने बार एरिया में बैठ गया। उसने विस्की की बोतल निकाली और गुस्से में पीने लगा। वो गुस्से में पीते जा रहा था ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके और वो मायरा को भुला पाए। मगर कुछ ही देर पीने के बाद उसे मायरा की और याद आने लगी। उसे उसकी वो सारी प्यार भरी बातें याद आ रही थी जो वो उसे बोला करती थी। उसके दिमाग में बस वही घूम रही थी। उसके बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो नशे में बोल रहा था, तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला मायरा, हमेशा झूठ। मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा और तुम इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में किसी और को ले आई। मैं तो तुमसे माफी मांगने भी आया था, माफ कर देती ना। किसी और आदमी के साथ घूमना, बातें करना, तुम तो ऐसी नहीं थी मायरा। शौर्य अब डायरेक्ट बॉटल से पीने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और आंसू टपक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसा उसके दिल में जो दर्द है उसकी वजह से वो आज मर ही जाएगा। इतना दर्द था उसके सीने में कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। वो नशे में बड़बड़ाते हुए बोला, तुम तो बहुत खुश हो ना मुझे छोड़कर। अगर मैं इतना ही बुरा था तो पहले ही छोड़ देती। इतने साल भी क्यों किया मेरे साथ, क्यों प्यार का नाटक करती रही। उसने अपनी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला तो वो उसके हाथ से नीचे गिर गया। एक हाथ में बॉटल के साथ वो उस डब्बे को उठाने के लिए झुका और फिर नीचे जमीन पर ही बैठ गया। जब बहुत देर हो गई और शौर्य कमरे में वापस नहीं आया तो डीना परेशान होने लगी। वो बेड पर उठकर बैठी और बोली, इतनी देर तो नहीं लगती कपड़े चेंज करने में, कहाँ हो यार, जल्दी आओ और सो, नहीं तो मैं अपना प्लान कैसे बनाऊंगी। डीना खड़ी देख रही थी। उस वक्त रात के 2 बज गए थे। जब 5 मिनट और वेट करने के बाद भी शौर्य नहीं आया तो वो बिस्तर से उठी और उसे देखने के लिए बाथरूम की तरफ गई। वो गेट नॉक कर रही थी लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने गेट खोला तो वो अपने आप ही खुल गया। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां शौर्य नहीं था। फिर वो शौर्य के स्टडी में गई लेकिन वहां की भी लाइट्स बंद थी। वो परेशान होकर सोचने लगी, कितनी रात में आखिर कहाँ गया होगा, कार की भी आवाज नहीं आई, है तो घर में ही, गार्डन में होगा शायद। यही सोच डीना घर के गेट से बाहर निकली और देखा तो गार्डन में तो कोई भी नहीं था। गार्डन में भी नहीं है। उसने शौर्य के नंबर पर कॉल किया और वापस घर के अंदर आकर देखने लगी।
शौर्य उसका कॉल नहीं उठा रहा था। परेशान होकर वो किचन से होते हुए वापस अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि उसे किचन से आवाज आई। वो जल्दी से किचन में जाते हुए बोली, शौर्य? लेकिन वहां शौर्य नहीं था। वहां घर का कोई नौकर पानी पी रहा था। उसे देखकर दीना बोली, तुमने शौर्य को देखा? तो वो बोला, हाँ, कुछ देर पहले वो नीचे तो आए थे, मगर वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। दीना ने परेशान होकर हाँ में सर हिलाया और किचन से बाहर आ गई। कहाँ चला गया अचानक से, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहा है। दीना सीढ़ी चढ़कर जा ही रही थी कि उसे नीचे जो कॉर्नर का रूम था उधर की लाइट्स ऑन नजर आई। वो जल्दी से उस कमरे की तरफ गई और जैसे ही उसने बार एरिया का गेट खोला तो शौर्य वहां नीचे जमीन पर बैठा था और वहीं सो गया था। उसके एक हाथ में बॉटल थी और आंखों के पास अभी भी आंसू दिख रहे थे। वो अभी भी अपने ऑफिस के ही कपड़ों में था। दीना उसे देखकर सोचने लगी, इसने कपड़े भी नहीं बदले और ये रो क्यों रहा था? दीना उसके पास गई और झुककर उसे उठाने लगी, शौर्य, शौर्य उठो, कमरे में चलो, शौर्य। शौर्य नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, आई हेट यू मायरा, आई हेट यू। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है। वो दोबारा किचन में गई और उस नौकर को बुलाकर ले आई, क्योंकि शौर्य उठ नहीं रहा था और वो अकेले उसे उठाकर कमरे तक नहीं ले जा सकती थी। शौर्य को एक साइड से दीना ने पकड़ा और दूसरी तरफ से नौकर ने। वो उसे उनके रूम में ले जा रहे थे। शौर्य पूरे रास्ते नींद में एक ही बात बोल रहा था, आई हेट यू मायरा। दीना को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, मगर वो यही सोच रही थी कि ऐसा हुआ क्या जो शौर्य ये बोल रहा है। दोनों ने शौर्य को बेड पर लेटाया और नौकर चला गया। दीना ने शौर्य के शूज खोले और उस पर ब्लैंकेट डाल दी। फिर वो खुद भी रूम की लाइट्स ऑफ करके लेट गई। काफी देर तक वो शौर्य को देखे जा रही थी। आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, वो बहुत खुश थी। वो शौर्य के बालों में प्यार से अपनी उंगलियां घुमा रही थी और शौर्य फिर से बोलने लगा, मायरा, आई हेट यू। दीना यही सुनते सुनते सो गई। मुंबई में अगली सुबह मायरा का अलार्म बज रहा था। उसे बंद करने के लिए मायरा ने थोड़ी सी आंख खोली तो उसके फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे। मायरा की अभी तक अच्छे से आंखें भी नहीं खुली थी। उसने फोन उठाकर देखना शुरू किया कि इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस किसके हैं। उसने जैसे ही कॉल्स पर देखा तो ब्लॉक्ड नंबर से 10 कॉल्स थे और वो सारे शौर्य के ही थे। मायरा परेशान होकर देखने लगी। उसने कॉल्स के टाइमिंग्स देखे तो वो सारी रात से 1 बजे तक थे। उसने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि बीच बीच में शौर्य उसे ऐसे कई बार कॉल्स किया करता था। वो उठकर बैठी और धीरे से उसने अपनी दोनों आंखें खोली। फिर उसने फोन के मैसेजेस चेक किए तो उसमें शौर्य ने उसे 5-6 फोटो भेजी हुई थी और उसके साथ एक मैसेज भी। उसके फोन का इंटरनेट स्लो होने की वजह से पिक्चर सभी डाउनलोड ही हो रही थी। तब तक मायरा मैसेज पढ़ने लगी, मेरी माँ तुम्हारे बारे में सही थी। उसने पूरा मैसेज पढ़ा पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य ने ये क्यों लिखकर भेजा था उसे। उसने ऊपर स्क्रॉल करके देखा तो सारी पिक्चर्स अब डाउनलोड हो चुकी थी। उसने जब वो पिक्चर्स देखी तो वो उसकी और अर्जुन की पिक्चर्स थी। वो देखकर मायरा ने जल्दी से फोन बंद करके बेड पर रख दिया और अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर बैठ गई। फिर इरिटेट होकर बोली, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? उसे शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसे ये सब करके क्या मिलेगा, वो क्यों उसे इतना परेशान कर रहा है। मुझे पता था कि अर्जुन का पीछा तुमने ही करवाया है, मैं जानती थी। तुम और क्या ही कर सकते हो, ये सब करके तुम किसी को क्या प्रूफ करना चाहते हो शौर्य? उसने दोबारा अपना फोन उठाया और फिर से पिक्चर्स देखने लगी। कुछ पिक्चर्स तब की थी जब वो इस घर में शिफ्ट हो रही थी और कुछ पिक्चर्स उस दिन की थी जब अर्जुन ने उसे बताया था कि उसे लग रहा है कोई उसे फॉलो कर रहा है।
उन पिक्चर्स को देखते हुए उसे शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम कितना गिर सकते हो शौर्य, तुम मुझे बस परेशान होते हुए देखना चाहते हो ना, उसमें ही तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। उसने सारी फोटोज देखी और दोबारा वो मैसेज पढ़ा और उसे पढ़कर वो थोड़ा सा हंसी। तुम्हें जैसा समझना है समझो, मुझे अब तुम्हारी सोच से या किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर ऐसा लगता भी है कि अर्जुन और मेरे बीच में कुछ है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम एटलीस्ट अब तो मेरा पीछा छोड़ोगे। तुम अगर पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि मैं गलत हूं तो दिखाओ, मुझे दुनिया से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता शौर्य जायसवाल। ये बोलकर उसने वो सारे मैसेज और कॉल्स डिलीट कर दिए और उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। कुछ महीने बाद मायरा तैयार होते हुए खुद को मिरर में देख रही थी। उसने आज लाइट पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। उसने अपने लॉन्ग स्ट्रेट बाल खोले हुए थे और मैचिंग छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। फिर आंखों में काजल और होठों पर लाइट सी लिपस्टिक लगाकर वो खुद को देखने लगी। वो बेहद सुंदर लग रही थी आज। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। चेहरे से नजर हटाकर जैसे ही उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने पेट पर हाथ रखकर वो बहुत खुश हो रही थी। अब उसका बेबी बम्प जो नजर आने लगा था, और अब तो वो वेट गेन भी कर रही थी, मगर उसकी नजर अपने पेट पर ही थी। वो बोली, तुम बस ऐसे ही जल्दी जड़ी बड़े होकर मम्मी के पास आ जाओ, आई कांट वेट टू सी यू। थोड़ी देर तक ऐसे ही खुश होकर वो देख रही थी। फिर वो कमरे के बाहर आई, अपना सब सामान लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम का वक्त था। मायरा अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल गई थी। वो ऑफिस में ज्यादा बात नहीं करती थी, और बात करती भी तो सबसे बस फॉर्मल होकर ही करती थी। आज उसे थोड़ा बहुत सामान खरीदना था, उसे खुद के लिए भी शॉपिंग करनी थी। हर महीने उसके कपड़े टाइट होते जा रहे थे। वो जब भी मटर्निटी स्टोर जाती, उसे बच्चों की इतनी चीजें और इतने प्यारे प्यारे कपड़े दिखते, और हर बार वो कुछ ना कुछ खरीद ही लेती। वो इस बार मार्केट जाते हुए बोलने लगी, मायरा इस बार मत खरीदना बेबी का कोई भी सामान, ऐसे तो तुम्हें अभी पता नहीं है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल, तो अभी जितना तुमने लिया है वो काफी है, बाकी बेबी के आने के बाद। खुद से बातें करते हुए वो मार्केट पहुंच गई थी। पहले मेडिकल स्टोर से उसने अपनी दवाइयां खरीदी जो खत्म हो गई थी, फिर वो कपड़े खरीदने चली गई। उसने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे और फिर से उसने कुछ चीजें बेबी के लिए भी ले ली। वो खुद को डांटते हुए बोली, मायरा तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल नहीं है, फिर से बेबी के लिए शॉपिंग कर ली। सामान का बिल कराने के बाद वो घर की तरफ जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी, अपना बेबी बम देखकर वो दिन भर से खुश नजर आ रही थी। यही सब सोचते हुए वो अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी कि अचानक उसके साइड में एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकी। मायरा ने मुड़कर कार की तरफ देखा तो कार की बैक सीट का मिरर नीचे हुआ। जैसे ही मायरा ने अंदर बैठे शख्स को देखा, वो डर कर वही खड़ी हो गई। वो हैरानी से आंखें बड़ी करके कार में बैठे शख्स को देख रही थी। अंदर बैठा शख्स भी मायरा को देखकर हैरान था। वो बार बार उसके बेबी बम को देख रहा था। उसी हैरानी में उसके मुंह से निकला, मायरा। मायरा भी जैसे अपनी सांस रोककर बिना पलके झपकाए बस उसे ही देखे जा रही थी। वो शख्स जल्दी से कार से उतर मायरा के पास आया। उसने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था और आंखों में सनग्लासेस थे। उसने उतर कर सनग्लासेस उतारे और मायरा को बहुत शॉक में देखने लगा। जो शख्स मायरा के सामने खड़ा था वो और कोई नहीं, निखिल था, शौर्य का बेस्ट फ्रेंड। उसने मायरा के पेट की तरफ देखा। अब वो मायरा से भी ज्यादा शॉक दिख रहा था। वो बोला, क्या ये बच्चा शौर्य का? ये सुनकर मायरा की आंख से आंसू टपका। पहली बार उसने ये बात किसी के मुंह से सुनी थी और शौर्य का बच्चा सुनकर उसे इतना अजीब लगा जैसे फिर से किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। मायरा ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और मुड़कर बिल्डिंग की तरफ चलने लगी।
निखिल उसके पीछे उसे रोकते हुए बोला, मायरा मायरा प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन मायरा रोती हुई बिना रुके बस चलती जा रही थी। ये बच्चा शौर्य का है? निखिल के ये सवाल पूछते ही मायरा रोते हुए अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई थी और निखिल उसके पीछे पीछे भागते हुए उसे रोक रहा था। मायरा मायरा रोको एक मिनट। लेकिन मायरा बिना रुके बस चलती ही जा रही थी। निखिल के बहुत बोलने पर भी जब वो नहीं रुकी तो वो चिल्लाते हुए बोला, मायरा मैं अकेला हूँ, मेरे साथ शौर्य नहीं है, आई स्वेर मैं यहाँ अकेले आया हूँ, प्लीज रुक जाओ। मायरा कुछ सोच कर रुकी और फिर अपने आंसू पोंछते हुए मुड़कर बोली, क्या बात करनी है यही बोलो। निखिल की नजरें पहले मायरा पर थी, फिर उसके पेट पर। वो सच में मायरा को ऐसे देख बहुत ज्यादा हैरान था। वो बोला, मायरा यहाँ नहीं, कहीं बैठकर बात करते हैं प्लीज। मायरा निखिल को देखकर बहुत डर गई थी क्योंकि वो शौर्य और उसके किसी भी करीबी से नहीं मिलना चाहती थी। और अब तो निखिल को पता भी चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो कभी नहीं चाहती थी कि शौर्य को इस बच्चे के बारे में पता चले, और अगर अभी वो निखिल से बात नहीं करती तो शायद निखिल शौर्य को ये बात बता देता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो निखिल से बात करेगी। मायरा रोड के ऑपोजिट साइड की तरफ इशारा करते हुए बोली, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ बैठ सकते हैं। निखिल को भी यही सही लगा, हाँ ठीक है। फिर दोनों ने रोड क्रॉस की और रेस्टोरेंट में चले गए। दोनों आमने सामने चुप बैठे थे। मायरा बहुत डरी हुई और नर्वस लग रही थी। निखिल को उसके चेहरे से ही समझ आ रहा था कि शायद वो शौर्य को लेकर परेशान है। वो शौर्य का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ मायरा का कॉलेज सीनियर भी था। शौर्य से मिलने के पहले से ही मायरा और उसके बीच बात हुआ करती थी। फिर जब मायरा शौर्य को डेट करने लगी तो तीनों साथ में बहुत घूमा करते थे। लेकिन आज निखिल मायरा के लिए सिर्फ शौर्य का बेस्ट फ्रेंड था। उसे जब पता चला कि शौर्य ने मायरा को छोड़ दिया है तो उसने मायरा को मैसेज भी किया था, मगर मायरा की ही साइड से कोई जवाब नहीं आया। निखिल को पता था मायरा बात स्टार्ट नहीं करेगी, इसलिए वो ही ये खामोशी तोड़ते हुए बोला, मायरा तुम प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। मायरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। निखिल अब भी मायरा को प्रेग्नेंट देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोलने लगा, शौर्य ने तो बोला था कि मायरा कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? फिर वो बहुत सोचते हुए बोला, मायरा प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या ये बच्चा। ये सुनकर मायरा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। निखिल ने जैसे ही मायरा का जवाब देखा, शौक में उसका एक हाथ उसके मुंह पर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। गुस्से में उसके मुंह से निकल गया, ये जानते हुए भी वो किसी दूसरी लड़की के साथ है? तभी मायरा ने उसे बताया, नहीं ये बात शौर्य को नहीं पता है। ये सुन निखिल की हैरानी और बढ़ गई, क्या उसे ये नहीं पता? मैं अभी उसे बताता हूँ। उसने गुस्से में अपना फोन निकाला ही था कि मायरा ने उसे रोका और बोली, नहीं नहीं प्लीज, शौर्य को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। निखिल गुस्से में बोला, मगर क्यों, उसे पता होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं ये अब मेरा बच्चा है और मैं नहीं चाहती कि शौर्य को कभी भी इस बारे में कुछ भी पता चले। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि मायरा ऐसा क्यों बोल रही है। उसने पानी पिया और अपने गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, फिर एक लंबी सांस भरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि उसे इस बच्चे के बारे में पता होना चाहिए? उसने जो गलती की है तुम्हें छोड़कर, इस बच्चे को खोकर उसे इसका एहसास होना चाहिए? नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है निखिल, ये बच्चा ही अब मेरा सब कुछ है, और वैसे भी मैं अब मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे अब शौर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। निखिल को मायरा के लिए अब बहुत बुरा लग रहा था। शौर्य ने उसे छोड़कर बहुत गलत किया था,
वो सोचने लगा, शौर्य तू अपने इस डिसीजन पर बहुत रिग्रेट करने वाला है। फिर वो मायरा से बोला, तुमने इस बच्चे को लेकर क्या सोचा है? मायरा उदास होकर बोली, हाँ मैं इस बच्चे को उसके पापा से दूर रखकर शायद इसके साथ बुरा कर रही हूँ। इस बच्चे को एक फैमिली वाला प्यार कभी नहीं मिल पाएगा, मगर मैं अकेले ही इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी कि इसे इन सारी बातों की कभी कमी महसूस नहीं होगी। ये बात बोलते हुए मायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बोली, और फिर डीना को अगर इस बच्चे के बारे में पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगी। यही अब मेरा सब कुछ है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे इसे भी छीन ले। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज निखिल, इस बात को एक सीक्रेट ही रखना, प्लीज। निखिल ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, डोंट वरी, ये बात सीक्रेट ही रहेगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। एंड प्लीज तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना। मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप्स के लिए आता रहता हूँ। मायरा ने एक बार फिर कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ मायरा, मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। निखिल को मायरा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। शौर्य ने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया था। उसे मायरा जैसी लड़की कभी नहीं मिल सकती थी। वो सोच रहा था, शौर्य कितना अनलकी है, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा अपने बच्चे के बारे में। कुछ देर बात करके मायरा वहां से चली गई, मगर उसके मन में अभी भी एक डर था कि कहीं निखिल शौर्य को ये बात बता ना दे। घर पहुंच कर भी वो निखिल को बहुत बार मैसेज कर चुकी थी कि वो किसी को भी उसका ये सीक्रेट ना बताए। कुछ दिन बाद मायरा प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपना सारा काम खुद ही किया करती थी। वो सब चीजें मैनेज कर लेती थी और फिर उसे अब सारे काम अकेले करने की एक आदत सी हो गई थी। जब भी कभी अर्जुन उससे मिलने आता तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि मायरा इतना सब अकेले ही कर रही है। उसकी जो अभी कंडीशन थी उसमें इतना सारा काम करना, फिर खुद को भी देखना कोई आसान बात नहीं थी। और वो जानता था कि यहाँ मुंबई में तो उसका इस वक्त और कोई फ्रेंड है भी नहीं। ऐसे समय में जब एक लड़की को एक इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त उसका साथ सबने छोड़ दिया था। इसीलिए कैसे भी करके अर्जुन वीक में एक बार तो उससे मिलने आ ही जाता था। चाहे मायरा उसे कितना ही मना करे, मगर वो आता ही था। आज भी संडे का दिन था और अर्जुन बैठकर मायरा के हाथ की बनी पाव भाजी खा रहा था। वो खाते हुए ही बोला, मायरा तुम्हें तो किसी बड़े होटल का शेफ होना चाहिए। मैंने इतनी टेस्टी पाव भाजी अपनी लाइफ में नहीं खाई। मायरा हंसते हुए बोली, थैंक यू, तुम अच्छे से खाओ, रुको मैं और लेकर आती हूँ। अरे नहीं मायरा, मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ, प्लीज तुम बैठो। लेकिन मायरा ने उसकी नहीं सुनी और वो धीरे से अपने पेट पर हाथ रखते हुए आराम से उठी और आराम से ही चलकर किचन तक जा रही थी। आजकल मायरा इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखती थी। अर्जुन भी ये सब देख रहा था। वो बोला, मायरा तुम खुद को सुपर वुमन समझती हो क्या? मायरा मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज तुम फिर से शुरू मत हो, तुम खाने पर ध्यान लगाओ। नहीं तुम जवाब दो, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है? मायरा हंसते हुए बोली, हाँ मेरे पास है स्पेशल पावर। यार हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। ये बोलते हुए वो ट्रे में और खाना लेकर आई और अर्जुन को सर्व करने लगी। अर्जुन ने स्पून उसके हाथ से लिया और बोला, तुम क्यों नहीं समझती हो? एक हेल्पर आ जाएगी तो तुम्हें ही आसानी होगी। मगर मुझे चाहिए ही नहीं, मैं सब खुद कर लेती हूँ और इतना कुछ होता भी नहीं है। पूरा दिन तो मेरा ऑफिस में ही जाता है, बस वीकेंड पर जो बचे हुए काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। अर्जुन जिद करते हुए बोला, मायरा वीकेंड रेस्ट करने के लिए होता है, तुम खुद को जरा भी आराम नहीं देती हो, ऐसे में तो तुम बीमार हो जाओगी। मैं बैठने से बीमार हो जाऊंगी? मायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो अर्जुन चिढ़कर बोला, ये तुम्हारे पता नहीं कौन से लॉजिक है। मायरा अब भी मुस्कुरा रही थी। अर्जुन उससे इस बात पर बहुत बहस करने के बाद आखिर बोला,
तुमसे जिद में कोई नहीं जीत सकता। मैंने तो कोई जिद की ही नहीं, मैं तो तुम्हें बस बता रही हूं कि तुम्हारा आइडिया बहुत यूजलेस है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम अब रुको। ये बोल अर्जुन चुपचाप खाने लगा। मायरा उसे देखकर हंस रही थी। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ देर बाद अर्जुन चला गया था। अर्जुन के जाने के बाद मायरा किचन की सफाई कर रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। उसे ऐसा दर्द पूरे हफ्ते से हो रहा था। उसने उस दर्द को इग्नोर किया और दोबारा किचन की सफाई करने लगी, मगर आज उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उस दर्द को सहन कर पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक घंटा हो गया था मगर दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मायरा जाकर कमरे में लेट गई। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने टीवी ऑन किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। 3 घंटे हो गए थे और अब तो उसे चक्कर जैसा लगने लगा था। जब उसकी सहन शक्ति से बात आगे निकल गई, तब उसने जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए कैब बुक की। वो अपने हॉस्पिटल की फाइल्स उठाकर अपने बैग में रख रही थी कि डोर की बेल बजी। मायरा को अपने कमरे से गेट तक जाने में 5 मिनट लग गए थे। उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे और उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो गेट तक कैसे भी करके गई और गेट खोला तो सामने अर्जुन था। वो कुछ बोलता इससे पहले ही उसने मायरा की हालत देखी और उसे देखकर घबराते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मायरा का दर्द इतना ज्यादा था कि उससे बोलते ही नहीं बन रहा था। वो हांफते हुए बोली, मुझे हॉस्पिटल। ये सुनकर अर्जुन ने 1 सेकंड की भी देर नहीं की और जल्दी से उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कार में बैठे हुए मायरा की आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। अर्जुन उसकी ऐसी हालत देख बहुत टेंशन में आ गया था। मायरा हम 5 मिनट में पहुंच गए, मायरा रोते हुए बोल रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन पहुंचकर हॉस्पिटल मायरा को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया। वहां नर्स ने मायरा को संभाला और अर्जुन को बाहर ही वेट करने के लिए कहा। अर्जुन को याद आया कि वो जिस काम के लिए मायरा के घर गया था वो तो उसने किया ही नहीं। वो मायरा के घर अपना फ़ोन भूल गया था और वो वही वापस लेने आया था। मायरा की तबीयत को देखकर वो फ़ोन लेना भूल गया। वहां मायरा का अंदर चेकअप हो रहा था। उसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ था और हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा थी। मायरा डॉक्टर को बार बार उसके दर्द का बोल रही थी। डॉक्टर ने उसकी हालत को देखते हुए उसे एक मेडिसिन दे दी। डॉक्टर बेबी का भी चेकअप कर रही थी और वो करते हुए एकदम से उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो बहुत टेंशन में आकर हर एक चीज़ डायग्नोस करने लगी। उन्होंने उससे पूछा, ये पेन कब से हो रहा था? मायरा दर्द में कराहते हुए बोली, डॉक्टर 1 वीक हो गया है, आपने आने में इतने दिन क्यों लगाए? मायरा घबरा कर बोली, क्यों डॉक्टर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रिपोर्ट्स आने तक मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप वेट कीजिए। ये सुनकर मायरा को और टेंशन होने लगी थी। वो उठकर बाहर वेटिंग एरिया में बैठी। उसे अब दर्द कम हो रहा था, उतना जितना वो सहन कर सकती थी। उसके साइड में एक लड़की बैठी थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। मायरा ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए पूछा, कितने मंथ्स? तो वो बोली, 8 मंथ चल रहा है, मगर टाइम इतनी जल्दी निकल रहा है कि पता ही नहीं चलता। मैं और मेरे हस्बैंड तो बस अब यही गेस करते रहते हैं कि बॉय होगी या गर्ल। मायरा मुस्कुराते हुए बोली, आप क्या चाहते हो? वो एक्साइटेड होकर बोली, मैं तो बेबी गर्ल ही चाहती हूँ। वैसे आपका क्या नाम है? मायरा ने जवाब दिया, मायरा। और आपका? वो शॉक में बोली, मेरा नाम भी मायरा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई सेम नेम वाला मिलता है। मायरा हंसने लगी। वो दोनों बच्चों की ही बातें कर रहे थे कि तभी डॉक्टर के रूम से नर्स बाहर आई और बोली, मायरा आपको अंदर जाना है। नर्स की बात सुनकर दोनों हंसने लगी और दूसरी वाली बोली, हम दोनों ही मायरा है, किसको जाना है? ये सुनकर नर्स कंफ्यूज हो गई और मायरा की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप जाइए अंदर।
मायरा धीरे से उठी और अंदर केबिन में चली गई। डॉक्टर मायरा की रिपोर्ट्स देख रही थी। देखते हुए वो बहुत परेशान लग रही थी। रिपोर्ट्स को देखते हुए ही उन्होंने मायरा से कहा, इट्स स्ट्रेंज पर रिपोर्ट्स गलत नहीं होती। मायरा घबराते हुए बोली, डॉक्टर क्या बात है, आप प्लीज मुझे क्लियरली बताइए। उन्होंने रिपोर्ट्स को टेबल पर रखा और उसमें जो लिखा था वो मायरा को समझाते हुए बोली, प्लीज पैनिक मत करना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था दिखाने के लिए, तुमने इतनी देर क्यों की? डॉक्टर की बात सुनकर मायरा बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने आंखों में नमी के साथ कहा, मुझे लगा नॉर्मल पेन है, आप प्लीज मुझे बताइए ना। डॉक्टर बोली, मायरा प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते ही हैं जो नॉर्मल बात है, मगर तुम्हारे बेबी के साथ बहुत ही अजीब बात हुई है। तुम अभी अर्ली प्रेगनेंसी में हो और ये चीज तुम्हें अभी से कैसे हो रही है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये सब अभी होना तुम्हारी बेबी को प्रॉब्लम दे सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर मायरा बहुत घबरा रही थी। एसी में भी उसे पसीने आ रहे थे। डॉक्टर बार बार रिपोर्ट्स देख रही थी। उन्हें देख मायरा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर अपना सर हिलाते हुए बोली, मायरा प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्प्लिकेशन अगर इस स्टेज पर हो रहा है तो ये बेबी की ग्रोथ पर असर करेगा, जो एक अच्छा साइन नहीं है, और इस वजह से बेबी में बर्थ के टाइम डिफेक्ट्स होंगे या फिर। डॉक्टर आगे का बोलते हुए रुकी और मायरा की तरफ देखने लगी। मायरा अपने आंसुओं को रोक कर बैठी थी। डॉक्टर बहुत उदास होते हुए बोली, मायरा एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सब चीज़ें क्लियरली बताऊं, लेकिन अगर बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं हुई तो शायद हम उसे नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की ये बात तो सुनकर मायरा का दिमाग मानो बंद ही पड़ गया हो, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। उसकी आंखों से आंसू खुद से ही गिरने लगे। वो डॉक्टर को बहुत शौक में देख रही थी। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर जैसे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी हालत देख डॉक्टर बोली, मायरा मैं खुद भी बहुत शॉक्ड और हैरान हूँ। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं और ये 10 में से किसी एक का होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। यूजुअली ये सब 7 to 8 मंथ में बच्चे में नजर आता है, लेकिन वो ग्रोइंग स्टेज पर होता है तो वो खुद से ठीक भी हो जाता है, मगर ये इस स्टेज पर होना जहाँ बच्चे के ऑर्गन्स तभी तक बन रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मायरा टूटी हुई रोनी आवाज में बोली, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने मायरा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इसके लिए जो मेडिसिन या सर्जरी होती है वो हम तुम्हारे बच्चे पर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 90% चांसेस है कि बेबी इसे झेल नहीं पाएगा और वो बचेगा नहीं। मायरा सर नीचे किए बस रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मायरा को पानी का ग्लास दिया और बोली, हिम्मत रखो मायरा, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मेरे लिए ही इतनी हैरानी की बात है तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मगर हम बस वेट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये चीज़ अपने आप चली जाती है, तो अभी से हार मत मानो, हम आगे देखते हैं। मायरा ने पानी पिया और अपने आंसू पोंछ लिए। वो बोली, और अगर अपने आप ठीक नहीं हुआ तो? उसकी इस बात पर डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। वो मायरा की सिचुएशन को लेकर खुद भी काफी बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। उन्होंने दोबारा रिपोर्ट्स देखी और बोली, ट्रस्ट मी मायरा, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ इन रिपोर्ट्स को देखकर। जब मैं तुम्हारा चेकअप कर रही थी तब मुझे बेबी की मूवमेंट कुछ अलग तो लगी थी, लेकिन बात इतनी बड़ी होगी मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मायरा ने फिर से पूछा, क्या हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं? अगर हम कुछ भी अभी करेंगे तो हो सकता है कि तुम अपने बच्चे को खो दो। हम सिर्फ और सिर्फ अभी इंतजार ही कर सकते हैं। हमारे हाथ में अब बस वही है,
ये सुनकर मायरा ने अपना बैग उठाया और केबिन के बाहर आ गई। उसका दिमाग बंद हो गया था, वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसके साथ ये क्या हो रहा था? वो गेट की तरफ जा रही थी कि अर्जुन ने उसे देखा और रोकने के लिए उसे आवाज दी, मायरा, मायरा। मायरा को यह भी होश नहीं था कि वो अर्जुन के साथ आई थी और वो उसका वेट कर रहा था। उसने जैसे ही अर्जुन को देखा वो रुक गई। अर्जुन उसके पास आया और उसे देखकर पूछने लगा, कैसी हो अब तुम, सब ठीक तो है ना? ये सुनकर मायरा की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। कुछ ठीक नहीं था, शायद उसकी लाइफ में खुशियां लिखी ही नहीं थी। शायद भगवान बस उसे खुशियां दिखाकर ही वापस ले लेते थे। अगर उसने इस बच्चे को खो दिया तो वो जी नहीं पाएगी। उसे रोता देख अर्जुन घबरा कर बोला, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो, डॉक्टर ने क्या बोला? मायरा ने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया और जोर से रोने लगी। वहां बैठे सारे लोग मायरा को ही देख रहे थे। अर्जुन ने उसके चेहरे पर से दोनों हाथ हटाए और उसे पीछे रखी एक बेंच पर बिठाते हुए बोला, अच्छा बताओ अभी, लेकिन रोना बंद करो तुम। कोई बात नहीं, नहीं बताओ, रोने से कुछ हो जाएगा क्या? ये लो पानी पियो। वेट करते हुए अर्जुन ने हॉस्पिटल की कैंटीन से एक पानी की बोतल खरीद ली थी। वही बोतल उसने मायरा को दी तो मायरा ने पानी पीने से मना कर दिया। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है मायरा? मायरा रोते हुए बोली, मेरा बच्चा। अर्जुन ये सुनकर और ज्यादा डर गया, क्या हुआ बेबी को? मायरा बस रोई जा रही थी। वो अर्जुन को जवाब देने की हालत में ही नहीं थी, उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो बस इतना बोली, मुझे घर जाना है। अर्जुन ने भी अब कुछ नहीं पूछा। वो दोनों उठकर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मायरा की हिम्मत टूट चुकी थी। वो लोग गेट तक पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मायरा मैम प्लीज रुकिए। अर्जुन और मायरा दोनों ने मुड़कर देखा तो एक नर्स दौड़कर उनके पास आ रही थी। वो उनके पास आई और हाफते हुए बोली, मैम वो डॉक्टर आपको बुला रही हैं। मायरा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। वो तीनों डॉक्टर के केबिन के पास पहुंचे। अर्जुन बाहर ही रुका और नर्स और मायरा अंदर चले गए। मायरा जब अंदर गई तो डॉक्टर ने उसे बैठने को कहा। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। डॉक्टर ने मायरा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वी आर सो सॉरी मायरा। ये सुन मायरा हैरान हो गई, लेकिन क्यों? तभी डॉक्टर बोली, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो बात ये थी कि आपके साथ एक और पेशेंट की रिपोर्ट्स निकली थी और कोइंसिडेंटली आप दोनों का ही नाम मायरा है, बस इसीलिए वो रिपोर्ट्स मिक्स हो गई। आपकी रिपोर्ट ये वाली है। उन्होंने मायरा के सामने दूसरी रिपोर्ट रखी और कहा, और हाँ आपका बेबी बिल्कुल ठीक और बहुत हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर तो जैसे मायरा की जान में जान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, थैंक गॉड। फिर उसने पूछा, और जो मुझे पेन हो रहा था? वो सब नॉर्मल है, बेबी तुम्हारी बॉडी से ही सब चीजें ले रहा है, कैल्शियम प्रोटीन्स, इसीलिए इनिशियल मंथ्स में ऐसा पेन होता है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मायरा दोबारा परेशान होते हुए बोली, मगर वो जो पहली वाली रिपोर्ट थी उनका बेबी? उनका 8 मंथ है और उस टाइम बेबी में ऐसे सिम्टम्स नॉर्मल है, तुम फिक्र मत करो सब ठीक है। जब मायरा को यकीन हो गया कि सब ठीक था, उसके दिल को बहुत सुकून मिला। इस बार मायरा बहुत ही ज्यादा खुश होकर बाहर निकली थी। अर्जुन ने जब मायरा को खुश देखा तो उसे भी शांति मिली। चाहे अब तक उसे बात पता भी नहीं थी कि क्या हुआ था, लेकिन मायरा को वो उस तरीके से रोते देख बहुत डर गया था। वो उसे देख कर बोला, अब सब ठीक है? मायरा ने खुशी में अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों हॉस्पिटल से निकलकर कार पार्किंग की तरफ जाने लगे। कार में बैठकर मायरा ने अर्जुन को सारी बात बताई कि कैसे उसकी रिपोर्ट किसी और के साथ बदल गई और डॉक्टर ने उसे कहा कि उसके बच्चे में मेजर प्रॉब्लम्स है। पूरी बात बताने के बाद मायरा की आंखों में आंसू थे।
वो अपने हाथ जोड़कर और आंख बंद करते हुए बोल रही थी, थैंक गॉड सब ठीक है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए अर्जुन की तरफ देख बोली, मेरी तो जान ही निकल गई थी, मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मैं अब अपनी जिंदगी इस बच्चे के बिना सोच भी नहीं सकती हूँ। अर्जुन कार चलाते हुए बोला, तुम जिस तरीके से रो रही थी मेरी खुद की जान निकल गई थी, लेकिन मायरा मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मैंने क्या किया? मायरा ने हैरानी से उसे देखा। अर्जुन ने उसे एक गुस्से वाला लुक दिया और फिर बोला, अगर मैं उस टाइम नहीं आता तो तुम ऐसे ही परेशान होती रहती, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मायरा मजाक करते हुए बोली, तुम अपना फोन तो मेरे घर ही भूल गए थे, कहां कॉल करती। मायरा नॉट फनी, मैं इसीलिए बोलता हूं, अगर तुम्हें हेल्प रख लोगी या फिर कोई हेल्पर रख लोगी तो ऐसे टाइम पर तुम्हें मदद हो जाएगी। तुम्हारी सारी बातें हेल्पर पर ही आकर रुक जाती है। ये बोलकर वो हंसने लगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। अच्छी बात है कि तुम सब चीज खुद कर लेती हो, लेकिन अभी तुम जिस कंडीशन में हो उसमें तुम्हें खुद भी नहीं पता कि कब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। कोई साथ में होगा तो एटलीस्ट तुम उसके साथ डॉक्टर के पास तो जा सकती हो, वो संभाल लेगी तुम्हें। अर्जुन सही बोल रहा था, और वैसे भी हर बार तो वो खुद भी अर्जुन को नहीं बुलाना चाहती थी, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही सब कर सकती है। वो विंडो से बाहर देखते हुए बोली, ठीक है, अगले महीने से रख लूंगी किसी को। इस बात पर अर्जुन को गुस्सा आया और वो बोला, अगले महीने? सीरियसली मायरा, तुमसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम वही करती हो जो तुम्हें करना होता है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने हाँ बोल तो दिया, रख लूंगी ना, देखने में भी तो टाइम लगता है, ऐसे हर किसी को तो नहीं रख सकती ना। अर्जुन ने हार मानते हुए अपना सर हिलाया और बोला, तुम और तुम्हारे लॉजिक्स, तुमसे जीतना तो इम्पॉसिबल है। तुम किस चीज का वेट कर रही हो कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाए? जब आग अच्छे से लग जाए फिर तुम उसे बुझाने का काम करोगी। कुछ देर ऐसे ही बहसबाजी में मायरा का घर आ गया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारा कंसर्न समझ रही हूँ, मुझे लेकर जो है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तो तुम कुछ करो भी उस कंसर्न का। करूंगी, प्रॉमिस, तुम फिक्र मत करो बस। ये बोलकर वो चली गई। उसे जाते देख अर्जुन सोच रहा था कि जितना वो अब तक मायरा को जानता है, उसे पक्का यकीन है कि मायरा उसकी बात को टालती रहेगी और कुछ नहीं करेगी। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग पास में ही रहते हो कि कोई भी इमरजेंसी हो तो वो उसके पास चला जाए। वो रिस्क नहीं ले सकता था। अगर मायरा प्रेग्नेंट नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, पर अब उसे ही इस चीज का कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। वो कार में बैठे हुए यही सब सोच ही रहा था कि लिफ्ट से दोबारा मायरा उसके पास आने लगी। उसे देख वो चौंक गया। उसने अपनी कार का शीशा नीचे किया तो देखा मायरा के हाथ में उसका फोन था। वो उसके पास आई और बोली, तुम फिर से अपना फोन भूल जाते, वो तो मैंने तुम्हारी कार को ऊपर से देख लिया था और मैं जल्दी से आ गई। अर्जुन ने मायरा से फोन लिया और उसे थैंक्स बोलकर वहां से निकल गया। अगली सुबह मायरा उठकर वही अपना डेली रूटीन कर रही थी। आजकल वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और योगा भी करती थी जो उसे डॉक्टर ने करने के लिए कहा था। वो एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर रही थी, तभी घर की डोर बेल बजी। वो उठकर गेट खोलने के लिए गई। उसने जैसे ही गेट खोला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की कुछ 27-28 साल की दिख रही थी। उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था, बाल एक चोटी में बंधे हुए थे, और वो मायरा को देखकर स्माइल कर रही थी। मायरा ने उसे देखकर पूछा, हाँ किससे मिलना है? वो मुस्कुराते हुए बोले, आप मायरा हो? हाँ मैं ही मायरा हूं। मायरा ने हैरानी से कहा तो वो बोली, वो मुझे अर्जुन सर ने भेजा है। मायरा और हैरान होकर बोली, अर्जुन ने? मगर क्यों? वो लड़की बोली, मैं शालू हूं, सर ने आपको बताया होगा ना मेरे बारे में। मायरा उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। वो सोचने लगी, शालू, अब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि अर्जुन ने कभी बोला हो। मायरा ने उसे देख कुछ सेकंड सोचा
लेकिन जब उसे कुछ भी याद नहीं आया तो वो बोली, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, अर्जुन ने किस काम के लिए भेजा है आपको? शालू बोली, वो तो आप मुझे बताएंगी ना? मैं बताऊंगी? मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, सर ने बोला था कि काम आप मुझे बताएंगी, फोन पर तो यही बात हुई थी हमारी। मायरा अब और कंफ्यूज थी। अर्जुन ये सब क्या कर रहा था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, पता नहीं ये अर्जुन क्या करता है। उसने फिर उस लड़की को देखा और बोली, अच्छा तुम अंदर आओ, मैं अर्जुन को कॉल करती हूँ। वो लड़की अंदर आकर बैठी। मायरा ने अपना फोन ढूंढ कर अर्जुन को कॉल लगाया। पूरी रिंग गई लेकिन अर्जुन ने फोन नहीं उठाया। मायरा ने दोबारा कॉल किया, अर्जुन फोन उठाओ यार। फिर से अर्जुन ने कॉल नहीं उठाया। मायरा ने फोन बंद किया और सोचने लगी, इस लड़की से मैं क्या ही बात करूं, इसे तो खुद नहीं पता कुछ, ऊपर से ये कॉल भी नहीं उठा रहा है। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बोली, पानी लोगी? उस लड़की ने हाँ में अपना सर हिलाया। मायरा किचन से उसके लिए पानी लेकर आई ही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। पानी देकर उसने देखा अर्जुन का ही कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से कॉल उठाया और इरिटेट होकर बोली, कहाँ हो तुम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं नहा रहा था, बाहर आकर तुम्हारा मिस कॉल देखा तो कॉल लगाया, क्या हुआ बोलो? मायरा चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ? वो उस लड़की के सामने ही खड़ी थी। जब वो चिल्लाने लगी तो शालू भी उसे देख रही थी। वो घर के एक कोने में गई और धीमी आवाज में गुस्से में बोली, ये लड़की कौन है? मायरा ने कॉल उठाते ही अर्जुन से शालू के बारे में पूछा तो अर्जुन बोला, कौन लड़की? मायरा अभी भी धीमी आवाज में बात कर रही थी, जो मेरे घर में है। अर्जुन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, मुझे क्या पता यार तुम्हारे घर में कौन लड़की है, मैं कैसे बताऊं? मायरा चिढ़कर बोली, सादा बनो मत, तुमने इसे क्यों भेजा है? अर्जुन अब समझ गया था कि मायरा शालू की बात कर रही है। ओ, तुम शालू की बात कर रही हो? हाँ, मैं शालू की बात कर रही हूं, तुमने उसे क्यों भेजा है? तब अर्जुन ने उसे बताया, वो तुम्हारी आज से हेल्पर है, तुम्हारी मदद के लिए भेजा है मैंने उसे। मायरा फिर हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों? मैंने बोला था ना मैं खुद देख लूंगी। मुझे पता है तुम कैसे देखती, और मैंने भेज दी ना, अब मन भर के देखती रहो इसे। ये बोल वो हंसने लगा, पर मायरा अब भी गुस्से में थी। तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेते, तुम्हारी ना सुनने के लिए बहुत बार ऑलरेडी सुन चुका था, और तुमसे पूछ कर तुम्हारे आंसर का भी मुझे पता था। अब आ गई है तो रख लो ना उसे, वो बहुत अच्छी है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो हटा देना, लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। अर्जुन अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर मायरा अब भी गुस्से में ही थी। तुम मिलो मुझसे, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। ये बोलकर उसने फोन रख दिया और शालू के पास जाकर बोली, मेरी अर्जुन से बात हो गई है, एक्चुअली उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। ये सुन शालू स्माइल करते हुए बोली, कोई बात नहीं मैडम, हो जाता है। मायरा ने उससे कहा, वैसे मुझे काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, बस थोड़ी बहुत मदद मुझे ऑफिस से आने के बाद चाहिए होती है, छोटे मोटे कामों के लिए, तो क्या तुम ऑफिस के बाद आ सकती हो? शालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैडम, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ, मैं यही पास में ही रहती हूँ, और मेरे पापा इसी सोसाइटी में एक के ड्राइवर है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मायरा ने उससे दो तीन सवाल और किए। शालू उसे अच्छी लग रही थी और समझदार भी थी। मायरा ने मन ही मन थोड़ा सोचा, फिर उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसे रख लेगी। उसने उसे काम समझाया और उससे उसका फ़ोन नंबर ले लिया। ठीक है, फिर तुम आज से ही आ जाना शाम में, जब मैं ऑफिस से लौटूंगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, वैसे मैं 6-7 बजे तक आ जाती हूँ। ठीक है मैडम, आप मुझे कॉल करोगे, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो उठ चली गई।
उसके जाने के बाद मायरा ने अर्जुन को मैसेज किया, थैंक यू फॉर शालू, और वो ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। अर्जुन तब रास्ते में था और एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका था जब उसे मायरा का मैसेज आया। उसने खोलकर जब उसे पढ़ा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो खुश था कि फाइनली अब मायरा को थोड़ा आराम मिलेगा और उसे भी मायरा की टेंशन कम होगी। ड्राइव करते हुए वो खुद से ही बोला, तुम्हें मनाना कोई आसान बात नहीं है। वो मायरा के बारे में सोच रहा था। तुम बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत अलग हो। ये बोलकर वो हंसने लगा। मगर तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, मुझसे लड़ते हुए, मुझ पर गुस्सा करते हुए, मेरा दिमाग खराब करते हुए। तुम्हारे साथ कोई भी पल बोरिंग नहीं होता। अर्जुन को अब मायरा की आदत सी हो गई थी। उसने मायरा की जिंदगी से दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाया। उसके पास बहुत सारे मौके आए थे, पहले उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलना, फिर उसकी शादी के बारे में, और सबसे बड़ा मौका तो जब उसकी मॉम मायरा के अगेंस्ट हो गई थी। ये जानते हुए भी कि उसकी मॉम की बातें गलत नहीं थी, और उसके पास्ट के बारे में जानकर अर्जुन को भी उतना ही दुख हुआ था जितना उसकी मॉम को, लेकिन उसने फिर भी मायरा का सपोर्ट किया। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों और कैसे कर रहा था, मगर उसके दिल में हमेशा से ही एक फीलिंग थी कि मायरा गलत तो नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी उसकी शादी के बारे में जानकर, मगर उस चीज़ को भी अब उसने एक्सेप्ट कर लिया था। और जिस दिन उसने मायरा का बेबी बम देखा था, उस रात तो वो सो ही नहीं पाया था। उसे मायरा पसंद थी, पर उसके पेट में किसी और का बच्चा था। उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल था, मगर धीरे धीरे उसने अपने दिल को संभाल लिया था, और अब उसे मायरा और उसके बच्चे दोनों की टेंशन रहती थी। वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगा था, पर यह बात वो मानता ही नहीं था। दिल्ली में शौर्य अभी भी मायरा और अर्जुन की तस्वीर से बहुत हर्ट था, और उस वजह से वो डीना से अब अच्छे से रहता था। मिसेस जायसवाल भी बीच बीच में उसे बोलती रहती थी कि जिस तरीके से वो मायरा के पीछे पागल हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई और आ चुका था। बस उनकी यही बातें सुनकर शौर्य के दिमाग में फिर से वही पिक्चर्स घूमने लगती थी, और वो गुस्सा हो जाता था। इन सबके बीच सबसे ज्यादा फायदा डीना को ही हुआ था। उसे अब तक ये बात पता नहीं चली थी कि शौर्य को वो तस्वीरें दिख चुकी है। उस रात जब उसने शौर्य को नशे में आई हेट यू मायरा बोलते हुए सुना था, तो उसने अपना दूसरा प्लान वहीं रोक दिया था। उसने सोचा था कि वो वाली तस्वीरें अब वो बचा कर रखेगी और अभी नहीं दिखाएगी। अगर आगे चलकर फिर शौर्य कोई बड़ा नाटक करेगा, तब वो उसे वो तस्वीरें दिखाएगी। आज सुबह जब शौर्य ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरा, तो डीना नीचे ही बैठी थी। शौर्य को देख वो बोली, शौर्य मुझे घर में, मैं बहुत बोर हो रही हूं, शाम में तो मुझे कहीं बाहर ले चलोगे? शौर्य ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए हाँ में अपना सर हिला दिया। ये देख डीना बहुत खुश हो गई। आजकल वो शौर्य को जो कुछ भी बोलती थी, शौर्य ऑलमोस्ट सब में हाँ कह देता था और मान जाता था। डीना को तो ऐसी फीलिंग आती थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, जिसमें उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा था। शौर्य ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो मायरा से नफरत कर सके। वो डीना के करीब इसीलिए होना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर मायरा किसी अनजान के साथ घूम फिर सकती है, मजे कर सकती है, खुश रह सकती है, तो डीना तो फिर भी उसके होने वाले बच्चे की माँ थी। इतना सब करने के बाद भी उसे डीना से वो अटैचमेंट तो नहीं हुई थी, पर वो ये सब करके मायरा से अपने दिमाग में रिवेंज ले रहा था। शौर्य के ऑफिस चले जाने के बाद डीना अपने कमरे में चली गई। उसने शाम में पहनने के लिए कपड़े देखने के लिए अपना वार्डरोब खोला, तो उसका पूरा क्लोसेट कपड़ों से भरा हुआ था। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जिनका प्राइस टैग भी नहीं निकला था। डीना को शौर्य पर जब भी गुस्सा आता था तो वो शॉपिंग करने चली जाती थी। ऊपर से हर 15 दिन में उसके कपड़े टाइट हो जाते थे, तो ऐसे करके उसके पास बहुत सारे कपड़े हो चुके थे। मगर इतने कपड़े होने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। 1 घंटे तक देखने के बाद वो चिढ़कर बोली,
मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, ऊपर से इस बच्चे के कारण मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है। पहले मैं कितनी सुंदर दिखती थी, मगर अब तो मुझे खुद को ही देखने का मन नहीं करता। ये बच्चा भी कहाँ की मुसीबत है, मेरा अच्छा खासा फिगर बर्बाद कर दिया इसने। पता नहीं मैं कभी पहले जैसे हो भी पाऊंगी या नहीं। शौर्य जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में गया तो वहां निखिल बैठा हुआ था। वो निखिल को देखकर बहुत खुश हो गया। तू तो भूल ही गया है मुझे, है ना? आज मीटिंग है तो तू आया है, वरना गायब। निखिल चेयर से उठा और शौर्य को हक करते हुए बोला, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे तो पता है काम इतना ज्यादा होता है इसीलिए। शौर्य की कंपनी को जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला था, उस कंपनी ने निखिल की कंपनी को भी उसमें शामिल किया हुआ था। इसी वजह से आज निखिल उसी प्रोजेक्ट की मीटिंग के सिलसिले में शौर्य के ऑफिस आया हुआ था। शौर्य अपने चेयर पर बैठते हुए बोला, और बता यार कैसा है, तूने तो कॉल मैसेज सब करना छोड़ दिया है। निखिल बोला, तो तू कौन सा मुझे रोज कॉल्स कर रहा है? इस बात पर दोनों हंसने लगे। शौर्य ने उससे पूछा, तू कुछ लेगा, कॉफी जूस कुछ? इस पर निखिल ने मना करते हुए कहा, नहीं यार अभी वैसे भी 15-20 मिनट में तो मीटिंग शुरू ही होने वाली है, उसके बाद कहीं लंच पर ही चलते हैं। हाँ डन। शौर्य भी इजीली मान गया। कुछ देर काम की ही बात करने के बाद दोनों मीटिंग में चले गए। मीटिंग इतनी लंबी चली थी कि शाम हो चुकी थी। मीटिंग के बाद शौर्य और निखिल शौर्य के केबिन में चले गए। निखिल अपनी टाई ढीली करते हुए बोला, आज तो बैंड बज गई, इतनी लंबी मीटिंग भाई, बैठे बैठे थक गया। शौर्य हंसने लगा और उसने कॉल करके दो कॉफी मंगवाई। फिर सीरियस होकर बोला, लेकिन आज की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सबको क्लियर हुआ कि किसको क्या करना है और क्या नहीं। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल यही चीज़ करेगी, तो देखना। निखिल भी उसकी बात अग्री होते हुए बोला, हाँ सही बोल रहा है तू, अच्छा है अब काम और स्पीड से होगा। इतने में दोनों की कॉफ़ी भी आ गई थी। कॉफ़ी ख़त्म करके शौर्य बोला, लंच पर तो जा नहीं पाए, लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक। निखिल बोला, हाँ अब तो मैं फ्री हूँ, चल सकते हैं। ठीक है, मुझे एक दो काम और है, बस उसे ख़त्म करके चलते हैं, तब तक तू जगह डिसाइड कर। कुछ घंटों बाद रात के 8 बजे थे। निखिल और शौर्य 5-स्टार होटल के एक बार में बैठे हुए थे। बार में म्यूजिक बहुत लाउड था और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। उस बार में 3 से 4 VIP लाउंज भी थे। निखिल और शौर्य उसमें से एक VIP लाउंज में बैठे हुए थे। उस लाउंज के चारों तरफ कांच था जिससे बाहर का भी दिख सकता था और वहां म्यूजिक की भी आवाज कम आ रही थी। दोनों बातें करते हुए अपनी अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। तभी शौर्य बोला, यार हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि दोस्तों के लिए तक टाइम नहीं रहता है। निखिल इस बात पर अग्री करते हुए बोला, हाँ तुझे याद है कॉलेज टाइम पर हम ऑलमोस्ट रोज ही पार्टी किया करते थे, फिर बीच में आंटी का कॉल आने लगता था और तू इतना बड़ा वाला डरपोक था कि कॉल मुझे दे देता था, मैंने उन्हें क्या क्या बहाने नहीं दिए थे। इस बात पर शौर्य हंसने लगा। निखिल आगे बोला, हर चीज में तू मुझे आगे कर देता था उनके सामने, तेरे हिस्से की कितनी सारी डांट मैंने खाई है, स्कूल में रिजल्ट खराब आता तो भी तू मुझ पर इल्जाम लगा देता था, फिर जब मुंबई के कॉलेज में जाना था तो मैंने ही तो मनाया उन्हें, यहाँ तक कि मायरा की बात भी। निखिल ये बोलते बोलते रुक गया। शौर्य की भी हंसी गायब हो गई थी मायरा का नाम सुनकर। दोनों बिल्कुल चुप हो गए थे। अब बस बाहर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। शौर्य ने गुस्से में अपना विस्की का ग्लास उठाया और एक बार में पी गया। तभी टेबल पर रखा शौर्य का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर डीना कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। निखिल ने जब डीना का नाम देखा तो उसे भी बहुत तेज गुस्सा आने लगा। शौर्य ने उसका कॉल नहीं उठाया और कॉल कट करके फोन जेब में रख दिया। वो भूल गया था कि आज शाम तो वो डीना के साथ बाहर जाने वाला था। निखिल शौर्य को देखकर गुस्से और नशे दोनों में बोला, तू मेरे सगे भाई से बढ़कर है शौर्य, लेकिन तूने जो मायरा के साथ किया ना वो बिल्कुल गलत है। तू अभी ये जो भी लड़की के साथ है तू उसे जानता तक नहीं है, उस कल की आई लड़की के लिए तूने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। शौर्य भी नशे में था, वो बोला, मायरा ने मेरे साथ कौन सा सही किया,
तू जानता नहीं है लेकिन उसकी जिंदगी में भी कोई लड़का है। निखिल ये सुनकर गुस्से में बोला, तू मायरा के बारे में फालतू बातें मत कर, समझा? उसके लिए मैं कुछ गलत नहीं सुन सकता। सौरव फिर गुस्से में बोलने लगा, तुझे मायरा जितनी अच्छी और सीधी दिखती है ना, वो उतनी बड़ी झूठी है। क्या झूठ बोला उसने? शौर्य की आंखों में आंसू थे। वो बोला, यही कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो किसी और को अपने इतना करीब कभी आने भी नहीं देगी। तू जा और देख उसे मुंबई में, किसी लड़के के साथ घूम रही है वो। निखिल भी अब गुस्से में बोला, झूठा तो तू है शौर्य, तूने उसके बारे में सबको क्या बोला था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, है ना? शौर्य उसे घूर कर देखते हुए बोला, हाँ इसमें झूठ क्या है, मायरा अभी ये बोलते बोलते वो रुक गया। मायरा ने निखिल को कितनी बार बोला था, कितनी कसमें दिलाई थी कि वो शौर्य को उसके बच्चे के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन नशे में निखिल ने ये क्या बोल दिया था? मायरा का सीक्रेट निखिल ने कैसे बोल दिया था? मायरा को जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वो बात शौर्य को पता चल गई थी। निखिल की बात सुनकर शौर्य के हाथ में जो खाने का चम्मच था वो उसके हाथ से गिर गया। निखिल को उसका रिएक्शन देख समझ आया कि उसने ये क्या बोल दिया था। मायरा ने उसे कसम दी थी और कितनी बार बोला था कि ये बात वो सीक्रेट ही रखे। ये उसने गुस्से और नशे में शौर्य को क्या बता दिया था? शौर्य हैरानी से बोला, क्या क्या बोला तूने? निखिल अनजान बनते हुए बोला, मैंने क्या बोला? तू अभी क्या बोला, मायरा प्रेग्नेंट है? निखिल अपनी ही बात में फंस गया था। वो अंदर से इतना डर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शौर्य को क्या बोले। शौर्य ने गुस्से में दोबारा उससे पूछा, बोल चुप क्यों है, तूने ये बात कैसे बोल दी? निखिल ने जल्दी से कुछ सोचा और कहा, तूने मेरी बात पूरी सुनी कहा, मैं तो पूछ रहा था कि मायरा कभी माँ नहीं बन सकती, तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है? मगर जाने दे, अब तू उसे वैसे भी छोड़ चुका है, तुझे उसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शौर्य सिगरेट जलाते हुए बोला, लेकिन वो अभी भी मेरी वाइफ है, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है अब तक, वो शायद ये बात भूल गई हो मगर मुझे याद है। निखिल को इस बात पर बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोला, तू किस हक से अब ये चीजें बोलता है? तू उसकी लाइफ, उसके इमोशंस, तू कुछ नहीं समझता क्या? जब वो तुझसे इतना प्यार करती थी तब तो तुझे उसकी कद्र नहीं हुई, अब ये सब बकवास करना तुझे बंद कर देनी चाहिए, तेरी लाइफ में तो कोई और है ना, तू उसे देख। ये सुनकर शौर्य बोला, यार पर मैंने कितना ही ट्राई किया और क्या करूं, मेरे दिमाग से वो नहीं जाती, मैं उससे कितनी ही नफरत करना चाहूं पर नहीं कर पाता, आई रियली मिस हर, मैं उसे अपनी लाइफ में वापस चाहता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा। और डीना का क्या? निखिल का ये सवाल सुन शौर्य सर झुकाकर बोला, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उसके पेट में मेरा बच्चा है निखिल। ये सुनकर निखिल इरिटेट होते हुए बोला, तू पागल हो गया क्या शौर्य, तू क्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है? इस पर शौर्य ने कहा, मैं मायरा को दिल्ली लाकर अपने दूसरे एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगा, मैं बस चाहता हूं कि वो मेरे पास रहे। निखिल ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, शौर्य तेरा दिमाग बंद हो गया है, तू कुछ भी बोले जा रहा है, ये चीज गलत है मायरा के लिए। वैसे अब उसने चैन की सांस ली थी, आखिर उसने कैसे भी करके बात संभाल ली थी, नहीं तो आज उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती। उसे शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो जिस भ्रम में बैठा था ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था कि मायरा कुछ टाइम से उसके बच्चे को जन्म देने वाली है और उसे ये बात कभी पता भी नहीं चलेगी। वो मन ही मन सोच रहा था, तूने अपनी जिंदगी खुद ही खराब की है शौर्य, तेरे पास सब था और अगर तू मायरा को धोखा नहीं देता तो तू कुछ टाइम बाद एक पिता बनने वाला था, तेरे पास सब कुछ होता, तूने अपनी एक गलती से सब कुछ खो दिया, तूने अपनी खुशियों को खुद ही खत्म कर दिया।
मुझे तो समझ नहीं आता तुझ पर गुस्सा हूं या तरस खाऊं। उधर जयसवाल हाउस में डीना आज शाम जल्दी तैयार हो गई थी, ये सोचकर कि शौर्य जैसे ही आएगा वो लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उसे अपनी पुरानी ड्रेसेस तो आती नहीं थी। इसलिए पूरे दिन ढूंढ कर उसने बेस्ट ड्रेस निकाली थी जिसमें वो अच्छे दिख सके। जब 8 बज चुके थे और शौर्य नहीं आया और उसका कॉल भी नहीं आया, तब उसने उसे कॉल किया था पर शौर्य ने वो कॉल कट कर दिया था। पहले तो उसे लगा कि शौर्य ऑफिस के काम में फंस गया होगा, मगर जब उसने थोड़ी देर बाद कॉल किया और शौर्य के पीछे से म्यूजिक बजने की आवाज आई तो उसे हैरानी हुई और वो कुछ बोलते इससे पहले ही शौर्य ने कॉल रख दिया। अब रात के 9:30 बज चुके थे। डीना का पेशेंस खत्म हो गया था। उसे शौर्य पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो उसे बार बार कॉल लगा रही थी लेकिन अब शौर्य ने उसका कॉल उठाना भी बंद कर दिया था। गुस्से में उसने अपना फोन उठाकर जमीन पर जोर से फेंका और बोला, What the hell, शौर्य? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आंसुओं की वजह से उसका पूरा मेकअप भी खराब हो गया था। उसे अभी भी मुझसे ज्यादा दूसरे लोग इंपॉर्टेंट है। अब तक वो मुझे अपनी प्रायोरिटी नहीं समझता। मुझे भी ले जा सकता था वो पार्टी में। अब तक दुनिया के सामने मुझे अपनाना नहीं चाहता है। ये बोलते हुए वो बिस्तर का सारा कुछ सामान जमीन पर फेंकने लगी। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वो जल्दी से उठ कर गई। जरूर शौर्य होगा। लेकिन जब उसने गेट खोला तो सामने नीतू खड़ी थी। वो बोली, मैडम मैं आपका डिनर कमरे में ही ले आऊं? डीना को नीतू को देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो उस वक्त शौर्य को एक्सपेक्ट कर रही थी। डीना ने उसे चिढ़कर कहा, नहीं मुझे नहीं खाना। और ये बोलकर उसने उसके मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। नीतू नीचे जाते हुए बोली, अजीब ही है, अच्छे से भी तो बोल सकती थी। वैसे शक्ल से तो लग रहा है जरूर कोई बात है। आंखें कैसी लाल थी रो रो कर। अपना सर सारा गुस्सा हम लोगों पर ही निकाल देती है। खैर मुझे क्या, मैंने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था। नहीं खाना तो मत खाओ। ये बोलते हुए वो किचन में जा रही थी कि मिसेस जयसवाल ने उसे रोका और बोली, तुम ऊपर क्यों गई थी? आज तो डीना और शौर्य घर पर भी नहीं है। नीतू बोली, नहीं मैडम, डीना मैडम तो अपने रूम में है। मैं तो उनसे खाने के लिए पूछने गई थी मगर उन्होंने मना कर दिया। ये सुन मिसेस जयसवाल को हैरानी हुई। अच्छा, डीना घर पर है? मुझे तो लगा वो चली गई होगी। आज तो वो शौर्य के साथ बाहर जाने वाली थी। चलो ठीक हूँ, मैं देखती हूँ क्या बात हो गई। ये बोलकर वो डीना के कमरे में गई और गेट खटखटाते हुए बोली, डीना, डीना बेटा। डीना ने जब मिसेस जयसवाल की आवाज सुनी तब वो बिल्कुल सही हालत में नहीं थी कि वो उनसे मिले, और उसे अभी शौर्य पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सारा का सारा उन पर निकल जाता। इसलिए उसने अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और ना ही गेट खोला। जब मैं कोई जवाब ही नहीं दूंगी तो ये अपने आप चली जाएंगी। हर टाइम परेशान करती रहती है। इस घर में तो कोई चैन से रो भी नहीं सकता। बहुत देर हो गई पर डीना ने गेट नहीं खोला। मिसेस जयसवाल सोचते हुए बोली, शायद सो गई होगी, और वहां से चली गई। रात के 1 बज गए थे जब शौर्य शराब के नशे में घर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने कमरे का गेट खोला तो सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। वो संभलते हुए बेड पर जाकर बैठा और साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पी रहा था। पानी पीने के बाद जब ग्लास को उसने दोबारा टेबल पर रखा तो वो डिसबैलेंस होकर जमीन पर गिर गया। ग्लास गिरने की वजह से डीना की भी नींद खुल गई। आंख खोलकर जब उसने अपने साइड में शौर्य को बैठा हुआ देखा तो वो गुस्से में बोली, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए, तुम एक बार उठाकर जवाब दे देते। तुम थे कहाँ मुझे ये बताओ। शौर्य उसकी तरफ देख रहा था। वो चुपचाप बस उसे देखता ही रहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो गुस्से में उसे घूर कर बोली, कहाँ थे तुम? मैं यहाँ वेट कर रही थी तुम्हारा शाम से। तुम एक मैसेज भी करके नहीं बता सकते थे। शौर्य चिढ़ते हुए बोला, मैं अपने कोलीग्स के साथ था और ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि आज हम बाहर जाने वाले थे। तुमने प्रॉमिस किया था शौर्य,
शौर्य इरिटेट होकर बोला, हाँ तो नहीं गए यार, व्हाट अ बिग डील। मैं कौन सा तुम्हें साल में कहीं एक बार बाहर ले जा रहा था, तुम हर तीसरे दिन तो कहीं जाने की बात करती हो। एक दिन नहीं गए तो इसमें इतना नाटक की क्या जरूरत है। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं नाटक कर रही हूँ। हाँ तो जाते हैं हम बहुत बार, लेकिन तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आता कि तुम्हें मुझे अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। शौर्य और गुस्से में बोला, पहली बात तो आवाज नीचे करके बात करो, और डीना मैं जितना तुम्हारी बचकानी हरकतों को इग्नोर करता हूँ ना, तुम और करती जाती हो। मैं अभी तुमसे बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ। शौर्य, तुम सामने वाले को इतना पोक करते हो कि वो इरिटेट हो जाए, और फिर ऐसे बनते हो जैसे तुम्हारी कोई गलती ही ना हो। तुमने कभी खुद की हरकतों को देखा है? शौर्य को ये सब सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो मायरा को चाहे कितना ही गंदा ट्रीट करता हो, उससे बात नहीं करता हो, मगर वो कभी कुछ नहीं बोलती थी, और शौर्य को वही आदत थी। मायरा हमेशा घर का माहौल खुशी रखना चाहती थी। उसे बिना मतलब के लड़ाई झगड़े करने का कोई शौक नहीं था। मगर शौर्य अभी डीना की बातों से परेशान हो रहा था। वो तो अभी उसकी कोई भी नहीं थी, फिर किस हक से वो उसे वो सब बोल रही थी। वो गुस्से में बोला, तुम्हें अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो व्हाई डोंट यू लीव मी। चली जाओ, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है। चली जाती शौर्य, इतना सहन कभी नहीं करती अगर ये बच्चा नहीं होता। मैं सिर्फ यहाँ इस बच्चे के कारण तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ। हाँ तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा, तो चुपचाप फिर अपना मुंह बंद रखो, रोज रोज के तमाशे मत किया करो। ये बोलकर वो कपड़े बदलने चला गया। वो जब बदल कर बाहर आया तो डीना रो रही थी। शौर्य ने उसे देखा और मुंह बनाकर अपने बेड की तरफ आ गया। डीना उठकर उसके पास गई और जोर से हग करके बोली, आई एम सॉरी शौर्य, प्लीज मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना। मैं बहुत गुस्सा थी तुमसे। मैं दिन भर से तुम्हारे लिए तैयार हुई ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी दिख सकूं, और जब तुम नहीं आए और मेरा फोन भी नहीं उठाया तो मुझे गुस्सा आ गया था। शौर्य बस खड़ा था, डीना ही उसे पकड़ कर खड़ी थी। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए था। वो अब परेशान हो गया था डीना के बिहेवियर से। जब शौर्य कुछ नहीं बोला तो डीना उसे फिर से बोलने लगी, प्लीज माफ कर दो ना। शौर्य उसे खुद से दूर करने लगा तो उसने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोली, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शौर्य मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, सोके सोने दो मुझे अब। डीना ने उसे छोड़ा और उसे देखकर स्माइल करते हुए बेड पर चली गई। शौर्य भी जैसे ही लेटा तो डीना उसके करीब आकर उसके हाथ पर अपना सर रखकर उसे हग करते हुए लेट गई। शौर्य उसे दूर करते हुए बोला, डीना ये सब क्यों कर रही हो, दूर हो और सो जाओ। डीना क्यूट बनते हुए फिर करीब आकर बोली, अभी तो पास रहने दो, दिन भर तो होते नहीं हो, कितना मिस करती हूं मैं तुम्हें। शौर्य बिना इंटरेस्ट के बस डीना की बातें सुन रहा था और मन ही मन मायरा के बारे में ही सोच रहा था। डीना कुछ कुछ बोल रही थी, लेकिन शौर्य अब सो चुका था और उसके सपने में मायरा थी जिसे वो हक करके लेटा हुआ था। सपना देखते हुए शौर्य ने डीना को ही हक कर लिया था। जब शौर्य ने डीना से कहा कि वो उसे छोड़कर जा सकती है तो डीना अंदर से काफी डर गई थी, और उसे पता चल गया था कि उसने आज शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। उसने इतनी मेहनत उसे छोड़ देने के लिए थोड़ी की थी, इसलिए जब वो कपड़े बदलने के लिए गया तो उसने यही सोचा कि अगर वो माफ़ी मांग लेती तो बेहतर होगा। और वैसे भी उसे माफ़ी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस शौर्य को खोना नहीं चाहती थी। उसे शौर्य के पैसे चाहिए थे और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। ये बच्चा भी तो उसी के लिए था।